ये हमारे सेक्शन 63 का एक पार्ट है। तो आप देखो सेक्शन 63 जो है सेक्शन 375 के ही जैसा, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर मेरे को फिर से एक बार डिस्कस करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको मैं एक्चुअली, वीडियो भी बहुत लेट आया, बहुत टाइम से मैं यही सोच रही हूँ कि इसको एक्चुअली मैं प्रेजेंट कैसे करूँ। और मेरी पूरी टीम जिनसे भी मैंने डिस्कस किया, उन्होंने यही कहा कि और वीडियोस देख के हमने ये आइडेंटिफाई करा है कि कहीं भी इन केसेस को या इन टर्म्स को, ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, कहीं इनको डिस्कस नहीं किया है। ये बात हवा में उड़ा दी गई है और इसको बस सेक्सुअल इंटरकोर्स करके या थोड़ा सा हाइड करके इस पूरे रेप के सेक्शन को माइल्ड बनाकर प्रेजेंट किया। बट इतने सारे केसेस के बाद, इतना पढ़ने के बाद, मेरे को ऐसा लगा है कि मैं इसको आपके सामने क्लियर रखना चाहती हूँ, और कोई भी जना अगर इसे पढ़े तो उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कब इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और हम किस तरह, जो भी जिसने असॉल्ट किया है, जिसने भी गलत काम किया है, उसको हम किस तरह पनिशमेंट दिला सकते हैं। तो थोड़े से ऐसे वर्ड्स हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो हम बार बार, मैं कोशिश करूँगी, मैं भी शायद ना रिपीट करूँ, और जब मैं नहीं बोल पा रही हूँ जबकि मैं इतनी डिटर्मिंड हूँ, तो आप सोचो कि हमारे देश में ये कितना बड़ा टाबू है कि पढ़े लिखे होकर भी हम इन वर्ड्स को आपस में बोल नहीं पाते, हम डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो फिर आप बताओ, रेप की कंप्लेंट कोई भी जना कैसे करेगा, और वो लड़की कोर्ट में इस केस को कैसे लड़ेगी, कितनी हिम्मत चाहिए इस केस को लड़ने के लिए। तो हम सबको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, शायद हमें अपनी सोसाइटी में इस टैबू को हटाने की ज़रूरत है और इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। यही सोचते हुए मैंने अपनी पूरी टीम से हटकर एक बार डिसाइड किया कि मैं कोशिश करूंगी ये चीज़ आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले तो रेप होता क्या है? हम, आप कभी मर्डर का सीन लो, तो अगर ये एक आदमी है, इसका मर्डर किसी को करना है, तो क्या करता है? इसकी बॉडी में चाकू घोप देता है ना? तो ये उसकी अगर बॉडी है, तो इसके अंदर चाकू डाल देता है और इससे उस आदमी का मर्डर हो जाता है। और हम ये कह रहे हैं कि रेप उससे भी बुरी पनिशमेंट है, मर्डर से भी, क्योंकि इसमें सोल हार्म होता है। तो इसमें ना चाकू है ना गन है, तो हम बॉडी में क्या इंसर्ट करते हैं जब हम चाकू से मार देते हैं? हम जो है चाकू इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तब जाकर कहीं डेथ होती है। बाकी जितने भी क्राइम्स हैं वो सब तो ऊपर से हो जाते हैं ना, कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाती। तो ये क्राइम्स कैसे होते हैं? हमने इसको डंडे से मारा, ऊपर है। हमने इसे जो है किसी और चीज़ से मारा, वो भी ऊपर है। गाड़ी से मारा, वो भी ऊपर है। जब हम इंसर्ट करते हैं, आप सोचो कितना पेनफुल होता होगा। और रेप में हम कोई भी वेपन यूज़ नहीं करते। इसमें वेपन क्या है? इसमें वेपन सिर्फ बॉडी का एक ऑर्गन है, तो एक मेल ऑर्गन है। और अगर मेल ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आदमी सिर्फ एक मैन कमिट कर सकता है। तो इसलिए आप देखो, रेप की डेफिनेशन में मैन है, और इस पर भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। लोग कहते हैं विमेन भी हो, लेकिन जब आप एक विमेन जो रेप को अंडरगो करती है ना, जब आप उसके केसेस पढ़ो, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कितना आप, कितने पावरलेस फील करते हो, कितने हेल्पलेस होते हो। और ये तभी ज़्यादा हो पाता है जब आप में पावर कम, और मैन में वो पावर लड़कों में ज़्यादा होती है। इसलिए कि ज़्यादातर अगर फीमेल करेगी भी, तो मेल जो है वो किसी मजबूरी की वजह से करेगा, लेकिन शायद बाय फोर्स उतना ना हो। इसलिए अभी तो मैं यही सोचती हूँ शायद मैन होना चाहिए, आगे देखो क्या होता है। कोई और लॉ ज़रूर आना चाहिए फीमेल्स के लिए भी, बट जितना प्रॉब्लम शायद फीमेल्स को, क्योंकि वो सोशल टैबू भी झेलती हैं, इसलिए मेरे को लगता है मेल ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम नहीं डिस्कस कर पाते। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मेरे को, मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे भी प्रॉब्लम है। तो इसमें जो हमारा वेपन है या जिससे रेप होता है, वो है एक मैन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि है पीनस। इसको जब इंसर्ट किया जाता है, पेनिट्रेशन दिया हुआ है ना आपको, पेनिट्रेशन या इंसर्शन, अभी हमने जब मर्डर की बात करी थी तो चाकू इंसर्ट किया जा रहा था, यहाँ पर क्या इंसर्ट कर रहे हैं, क्या पेनिट्रेट हो रहा है? ये है मेल ऑर्गन पीनस। और ये किसी भी एक्सटेंट तक, जैसे चाकू है, आपने चाकू अगर इंसर्ट किया किसी के में, तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो है, चाहे आपने इतना इंसर्ट किया हो, चाहे आपने पूरा चाकू कर दिया हो, लेकिन वो क्राइम तो है ना। इसी तरह से कितनी भी एक्सटेंट में कहाँ पर इंसर्ट करना है, ये हो सकता है वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या फिर एनस। ये सब क्या है? ये फीमेल बॉडी की ओपनिंग्स हैं। जैसे हम जब मर्डर करते हैं तो स्किन तो कवर्ड होती है, हम इसके अंदर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बॉडी की अपनी ओपनिंग्स है। जैसे हमारी नाक में होती है, कान में होते हैं, उसी तरह से ये ओपनिंग है। जैसे हमारे मुंह में है, थोड़ा बड़ा है, उसमें हम खाना खाते हैं, तो मुंह हो गया। बाकी जितनी भी ओपनिंग्स हैं, ये सारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट में होती हैं। तो ये तीनों जो हैं, इन सब के अलग काम है। माउथ खाने के काम में आती है, वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस। एनस बॉडी से एक्सक्रीटा निकालने के काम आता है। इनमें से एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का, और एक जो है यूरिन के काम आता है। तो ये सारी बॉडी की अलग अलग ओपनिंग्स हैं, और इनमें जो इनके काम है वही तो होते हैं, जो
जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें अगर पीनस जाए वो भी नॉर्मल है, लेकिन बाकी तो फिर अननेचुरल सेक्स की तरह भी है। तो जब कोई भी आदमी इसकी कोशिश करता है अपने ऑर्गन को किसी ऐसी ओपनिंग में विमेन की डालता है तो ये होता है रेप। अब आप ये भी कह सकते हो कि मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। अब आप जब ऐसा केस कोर्ट में आए तो वो लड़का तो ये भी कह सकता है ना वो मैन कि मैंने थोड़ी किया, वो तो इस लड़की ने खुद ही किया। अब ये भी लड़की को ही फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि किसने किया। तो इसके लिए यहाँ पर ही क्लॉज डाला है कि अगर वो उससे करवाता है ज़बरदस्ती, उससे लड़की से भी करवाता है तो वो भी रेप है। तो या तो एक आदमी ऐसा क्राइम करे या वो लड़की से इस तरह का कुछ भी काम करवाए, ये दोनों रेप है। दूसरा, ये चारों अगर क्लॉजेस फुलफिल होते हैं तो वो रेप होगा। दूसरा, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग पीनस इनटू द वजाइना यूरेथ्रा और एनस ऑफ द बॉडी। ये सारे वर्ड्स तो मैं आपको एक बार समझा चुकी हूँ। अब अभी हमने पीनस की बात करी थी, लेकिन अगर आपको निर्भया केस याद हो तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्लॉजेस जो हैं सारे बाद में ऐड हुए। पहले जब ये था ना, कुछ साल पहले जब ये 1860 में IPC आया था, तो ये इतना हमें कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स लिखा हुआ था कि जब कोई आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी भी लड़की से करता है उसकी इच्छा के बिना, उसकी कंसेंट के बिना, तो वो रेप होता है। ये सिंपल था ना बताने के लिए। लेकिन जब ऐसे केसेस आए जिसमें पीनस के अलावा लोग और भी इंस्ट्रूमेंट्स का और भी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, तो इस क्लॉज को ऐड करना ज़रूरी हो गया। और यही क्यों, निर्भय क्यों, उसके कुछ ही दिन बाद अगर आपको याद हो एक गुड़िया केस आया था जिसमें आपको कैंडल्स वगैरह मिले थे, और निर्भया केस में तो पूरा स्टील का, आयरन का रॉड इंसर्ट कर दिया था जिससे सारे इंटेस्टाइन्स बाहर आ गए थे। अभी भी सोच के मैं फिर वापस वहीं चली जाती हूँ। लेट्स कम बैक टू सेक्शन 63। तो रेप क्या है? कोई भी आदमी रेप तब कमिट करता है जब वो इन चारों ABCD चार सिचुएशंस दी गई हैं, इन चारों सिचुएशंस को करता है, ठीक है। तो अब अगर वो इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर फिर से फीमेल ऑर्गन्स में इंसर्ट करता है किसी भी लेवल तक, या उसी लड़की से करवाता है, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। और ये क्लॉज जो अब बात हो रही है ना, ये जो बी पार्ट है या सी पार्ट है, इसकी बात बहुत पहले उठी थी। कब उठी थी ये भी हम जो है एक बार देखते हैं। मैंने इससे रिलेटेड एक केस डाला हुआ है, साक्षी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2004। यहाँ पर भी ये जो है ना साक्षी, ये क्या था, ये एक NGO थी जो वुमेन राइट के लिए लड़ती थी। इन्होंने भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोर्ट में केस किया था कि नॉन पिनाइल पेनिट्रेशन को भी रेप बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने रेप की डेफिनेशन को चेंज करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो बाकी लोग जिनको इसके बारे में नहीं पता उन्हें भी पता चल जाएगा और ये डेफिनेशन अलग ही रास्ते पर चली जाएगी, और उन्होंने इस चेंज को रेप में लेने से मना कर दिया था। लेकिन जब अगला केस आया, अगला केस कौन सा है, मुकेश अनदर, ये वाला कौन सा केस है, निर्भया गैंगरेप, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इसमें तो ये बात सभी को पता है। और इसके बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी उसमें ये सारी चीज़ें दोबारा से अप्लाई की गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तीसरा क्या है, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमेन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू। अब इसमें क्या है कि विमेन की बॉडी को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करना, कुछ इस तरह से अरेंज करना, उसे इस पोज में करना, किसी ऐसी तरह से रखना कि ये जो इंसर्शन का काम है ना ये किया जा सके, या तो वो खुद करे या कोई और उसके साथ ये कर सके। समझ में आया? मतलब अभी तक तो ये है कि वो कर रही थी, अब कोई ऐसी चीज़, मान लीजिए हमने रॉड रख दी नीचे, और अब हम कहें कि कोई ऐसा पोस्चर बने या कोई ऐसा सिचुएशन हो जिसमें उसकी बॉडी में पेनिट्रेशन हो, ये सी सिचुएशन है। और लास्ट क्या है, अप्लाइज इन माउथ टू द ये फिर से विमेन ऑर्गन्स हैं, उसमें अगर वो ऐसा कोई काम करता है तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो रेप में आती हैं, ठीक है। अब इन चारों के अलावा ये चारों चीज़ें कब होंगी जब ये रेप होगा? अगर वो उसकी चॉइस से ही है, लड़की इसमें शामिल है, तब तो ये रेप नहीं है ना। तो उसके लिए कोई 7 डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं। ये 7 डिस्क्रिप्शंस जो IPC में थी वही 7 डिस्क्रिप्शंस हैं। अगर इन सातों कंडीशंस में ये चार चीज़ें हुई हैं तो वो रेप होगा। अब हम देखते हैं ये 7 कंडीशंस कौन सी हैं, ठीक है। आई होप कि जो मैंने बोला है वो आपको हर्ट ना हुआ हो, और लगा तो होगा भी आपको अजीब, जितना शायद मुझे बोलने में लगा है उतना आपको सुनने में भी लगा होगा, बट आई थिंक इसकी ज़रूरत है।
अब हम आते हैं कौन सी सात कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, हर के साथ मैंने आपको एक केस दिया है जिससे आप इसको रिलेट कर पाओ कि ये कैसे आया, हमारी कैसे अप्लाई किया जाता है कोर्ट्स में और हमें किस तरह से इसको समझना है। तो चारों जो ऊपर वाली कंडीशंस हैं अगर इन सेवन सर्कमस्टांसिस में होती हैं तो वो रेप होगा। सबसे पहला क्या है, लड़की की विल के अगेंस्ट, ठीक है, इसके लिए हम जो केस करेंगे वो बाद में, पहले हम कंडीशंस देखते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध। दूसरा क्या है, उसकी कंसेंट के बिना। कंसेंट मतलब, अगर आपको एक मूवी याद हो जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है नो मीन्स नो, नो का मतलब नो है, ये नहीं है कि अगर कोई लड़की यस ना बोले तो हम उसे यस मान लें, नहीं, अगर कोई लड़की यस नहीं बोलती इसका मतलब नो भी हो सकता है, तो नो मतलब नो होता है और इसको मानना चाहिए। कंसेंट का मतलब उसकी रजामंदी। फिर तीसरा क्या है, अगर उसकी रजामंदी किसी तरह से उसे डरा धमका के मिली है, मतलब उसको किसी प्रॉब्लम में डाल के, या जिस आदमी के साथ उसका रिलेशन है, जो उसके रिलेटिव्स हैं, उनकी माँ हो सकती है, भाई बहन दोस्त हो सकते हैं, अगर उनको बंदी बनाकर उनको डरा धमका कर उसी की कंसेंट ली जाए तो ये कंसेंट नहीं होगी और वो रेप माना जाएगा। चौथा क्या है, उसकी कंसेंट, मतलब पहली दो चीज़ें हो गई, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि उसकी कंसेंट हमें मिली ही नहीं, ठीक है, दूसरा ये हो गया कि हमें उसकी कंसेंट मिल गई लेकिन उसके बाद भी, कंसेंट मिलने के बाद भी वो रेप है। कई बार लोग इसलिए केस भी नहीं फाइल करते कि इसमें कंसेंट का केस ना आ जाए, इसीलिए मैं इतनी डिटेल से बता रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हो तो हम इनको केस कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उसकी कंसेंट, और यही प्रूफ करते हैं, जो एक्यूज होता है वो अपने आप को इन चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है और जो एक्यूज कर रहा है वो इसी को प्रूफ करता है। उसकी कंसेंट, जब उसने किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बनाया हो ये सोचते हुए कि उसकी जो है उस लड़के के साथ शादी हो गई है, लेकिन ये बाद में पता चलता है जिससे उसकी शादी हुई है वो आदमी वो था ही नहीं। जैसे ये ए है, इसने इस बी से शादी कर ली, ठीक है, इसने ये सोचा कि ये जो बी है, ये इसका नाम जो है बी से हम रख लेते हैं बीर है, ठीक है, थोड़े दिनों में इसे पता चला ये तो बीर है ही नहीं, ये तो कुछ सी से है, ये आदमी जो है ये सी है और इसकी तो पहले ही शादी हो चुकी है, तो इसने बी समझ के बात की, लेकिन अगर वो सी निकल के आता है तो ये जो है ये भी रेप माना जाएगा। अगला केस क्या है, उसकी कंसेंट कब अगर मिली है, जब वो अनसाउंड माइंड में है उस टाइम पर या इंटॉक्सिकेटेड है। आपने किसी लड़की को कोई, आपने नशे की दवा दे दी, उस टाइम पर वो इंटॉक्सिकेटेड है, अनसाउंड माइंड में हो गई, और फिर आप कह दो कि मैंने तो उससे कंसेंट ली थी, नहीं, ऐसे में भी ये जो है रेप माना जाएगा। फिर उसकी कंसेंट हो या ना हो, अगर वो 18 ईयर्स ऑफ एज है, उससे कम एज की है, तो वो रेप ही माना जाएगा। अगर किसी, इस पे भी थोड़ा डिबेट है, लोग कह रहे हैं इसे 16 ईयर्स हो जाना चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट इसकी 18 साल से कम, 18 साल है, तो अगर इससे पहले कोई कंसेंशुअल रिलेशनशिप बनती भी है तो वो भी रेप की कैटेगरी में ही आएगी। और लास्ट क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि वो अपनी कंसेंट जो है बता ही नहीं पाए, मान लो किसी लड़की को मौका ही नहीं मिला वो अपनी कंसेंट दे, तो फिर वो भी रेप की कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ केसेस देख लेते हैं। सबसे पहला केस था हिमाचल प्रदेश वर्सेस मांगूराम, ये 2000 का केस है। इसमें क्या था, एक लड़की जो है वो जगिया राम की सबसे बड़ी बेटी थी, उसको जाना था, उसको अपने रिलेटिव्स के यहाँ समझ लो आप भेज रहा था उसका फादर, तो जिसके साथ वो भेज रहा था उसी ने जब आगे गया तो उसी ने क्या किया, उसको पीछे से पकड़ लिया, और वो लड़का भी 27 साल का था, और उसने क्या किया, उस लड़की को उसके साथ एक फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बताया कि लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी एक्यूज्ड, क्योंकि लड़का था पावरफुल था, तो उसने उसे ओवर पावर कर लिया, और ये क्राइम जो है लड़की की विल के अगेंस्ट था, उसने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाई, उसकी विल के अगेंस्ट था, उसकी इच्छा के विरुद्ध था, इसलिए वो रेप का ऑफेंस था, ठीक है। उस लड़की को यही प्रूफ करना होता, लड़के क्या प्रूफ करते हैं कि ये उसकी विल थी, उसने अपनी इच्छा से किया, ठीक है। तो अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये इस कुछ केसेस के बाद अब जिसने रेप किया है उसके ऊपर आता है, अब लड़की को ये प्रूफ नहीं करना होता, ये भी हम देखेंगे कौन सा केस था, ठीक है। अगला जो केस है विदाउट हर कंसेंट, अब उसके लिए क्या है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इसमें क्या था, ये जो लड़की थी 10th क्लास की थी, बताओ इतने छोटी स्टूडेंट, इनको हम क्या समझाएंगे, उसके एग्जाम्स चल रहे थे, अपने घर आ रही थी, और रास्ते में उसको वैन में जो एक्यूजर्स थे उन्होंने, तीनों ने उसे पकड़ कर ले गए, किडनैप कर लिया, और उन तीनों ने उसके साथ रेप किया, उसको कहा कि तुम चुप रहना और अगर चुप नहीं रही तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ऐसे में अगर वो लड़की चुप है तो क्या ये उसकी विल है, नहीं, ये विल नहीं है। और यहाँ पर तो
और कोर्ट में उन लोगों ने क्या साबित करने की कोशिश की, क्योंकि वो शोर नहीं मचाया, उसने कोई भी हंगामा नहीं किया, इसका मतलब है कि उसने अपनी इच्छा से कंसेंट दी थी, उसने हाँ कहा था। तब कोर्ट ने वहाँ पर क्या कहा, एक तो उसको कहा था कि चुप रहना, तो उसने FIR लेट लॉन्च करी, तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर FIR लेट लॉन्च हो जाती है तब भी इस केस को माना जाएगा अगर सारे प्रूफ्स हैं। दूसरा क्या था, विक्टिम की जो टेस्टिमनी है वो अपने आप में काफ़ी है, अगर अगर वो अपने आप में वैलिड है, सारे सर्कमस्टांशियल प्रूफ्स वगैरह सब एक साथ चल रहे हैं तो अपने आप में वैलिड है, और एक्यूज को उस बेसिस पर भी मना करा जा सकता है, उस केस पर भी उसको लायबल माना जा सकता है, गिल्टी माना जा सकता है, अगर जो प्रोसिक्यूट्रिक्स मतलब वो जो लड़की है उसके बयान पे भी माना जा सकता है, अगर वो बयान सेम रहता है और सारी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ टैली करता है। समझ में आ गया अभी जो मैं कह रही थी, इसके स्टेटमेंट पर हम कहाँ से कोई लड़की गवाह लेकर आएगी, अगर उसने गवाही दे दी है तो अब जिसने जो एक्यूज है, जो रेपिस्ट है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने ऐसा काम नहीं किया। ठीक है, तो अब उस लड़की को थोड़ा सा आराम है, हालांकि मैं क्या ही कहूँ आराम है। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रकाश। अब इसमें क्या था, इसमें जो विक्टिम थी वो और उसका हस्बैंड जो है अपने अपने गांव गए थे गणपति विसर्जन के लिए। वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल और जो बिजनेसमैन है उसने उसके हस्बैंड को अपने घर पर बुलाया, उसके हस्बैंड को मारा, और उसको मारने के बाद उसके सामने ही उसकी वाइफ का दोनों ने रेप किया। वहाँ पर जो है एक्यूज को वहाँ पर भी यही कहा गया कि उसकी बॉडी पर कोई भी साइन नहीं है रेजिस्टेंस के, कोई इंजरी नहीं है, तो इसलिए कोई भी फोर्स इंटरकोर्स यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसलिए रेप नहीं है। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ये जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो था ये किसी भी लव या मनी पैसों के लिए नहीं किया गया था, सिर्फ एक रीज़न क्या था कि शी वॉज कोर्स, मतलब उसको डरा के धमका के किया गया था, और उसको क्या डराया था कि उसके हस्बैंड को कुछ कर देंगे, तो जब उसका हस्बैंड पुलिस वाले की रिमांड में होगा तो क्या कोई जना कुछ बोल पाएगा, इसलिए उसकी बॉडी पे नहीं थे। और अगर ऐसे केस में कोई बॉडी पर कोई चोट ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि रेप नहीं हुआ, और उसके हस्बैंड तो उसको तो पीटा ही था ना, उसका तो प्रूफ था ही था, तो इतना प्रूफ काफ़ी था, और इसी वजह से ये दोनों जो पुलिस कांस्टेबल और बिजनेसमैन था उन दोनों को सज़ा हुई थी। और बार बार मैं कह रही हूँ, मैं इतनी डिटेल्स में सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि अगर ऐसा कोई केस हो, सिर्फ पढ़ाई एग्जाम ही नहीं, इसको अपनी लाइफ में भी ध्यान रखो, सभी की हमें साथ देना है, प्रोटेक्ट भी करना है। तो ये कौन सा वाला था, विद हर कंसेंट, ये कौन सा वाला हमने पॉइंट करा, अभी कंसेंट हमें मिली, लेकिन वो कंसेंट कब मिली, जब हमने उसे डराया या धमकाया। फिर अब हम आते हैं, फिर से कंसेंट मिली है, अब ये कंसेंट हम किसके लिए देखेंगे, जब उसे ये लग रहा है कि उसकी शादी जिससे हुई है वो व्यक्ति कौन सा है। अब भूपिंदर सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इस केस में क्या हुआ था कि जो एक्यूज था और विक्टिम दोनों एक ही बैंक में काम करते थे, दोनों ने शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। उसके बाद जो है विक्टिम प्रेग्नेंट हो गई और पहली बार उसे अबॉर्ट करना पड़ा, दूसरी बार वो फिर से प्रेग्नेंट हुई, और तब उसे अपने हस्बैंड के दोस्तों से पता चलता है कि उसकी तो पहले ही शादी हो चुकी है। अब जब उसकी पहले ही शादी हो चुकी है तो ये तो इलीगल हो गई ना वाइफ, ये तो फिर वाइफ हुई नहीं, लीगल मैरिज ही नहीं हुई है, तो नल एंड वॉइड है। तो उसने जो है एक्यूज को ढूंढने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, और जब वो कहीं नहीं मिला तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। और कोर्ट ने यहाँ पर भी यही कहा कि एक्यूज यहाँ जो था वो रेप था। रेप क्यों था, क्योंकि वुमेन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स वो इसलिए किया था क्योंकि उसको ये पता लग रहा था कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन वो हस्बैंड तो हुआ ही नहीं क्योंकि उसकी जो शादी है वो तो लीगल है ही नहीं। तो ऐसे केस में फिर से इसे रेप माना गया था, ये कंसेंट क्योंकि मिसकंसेप्शन से ली गई थी। अब हम अगले पे आते हैं, फिर से यहाँ पर कंसेंट है जब कोई भी जना इंटॉक्सिकेटेड है या फिर अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, इसका तो मैंने कोई केस नहीं लिया क्योंकि अनसाउंड माइंड का हम ले लेते हैं। अच्छा, तुलसीदास कानोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, इसमें क्या था, इसमें जो विक्टिम थी वो मेंटली इम्पेयर्ड थी। अब जब वो मेंटली इम्पेयर्ड थी तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके विक्टिम ने उसका फ़ायदा उठाया, और ये घर में किसी को भी नहीं पता था। कुछ दिनों के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब इसके बारे में पता चला और फिर केस फाइल किया गया, और जब वो मेंटली इम्पेयर्ड है तो वो बताएगी क्या। तो ऐसे में फिर कोर्ट ने यही कहा कि ऐसे में अगर उस लड़की ने कंसेंट दी या नहीं दी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेंटली चैलेंज्ड गर्ल है, उसकी कंसेंट कोई मायने नहीं रखती, उसको अच्छा और बुरा समझना मुश्किल है। और ऐसे में क्या है, एक्यूज्ड यही दिखाना चाहेगा ना कि उसके पास कंसेंट थी, तो यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया कि मेंटली चैलेंज, अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन, इन सब में अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो वो कंसेंट है ही नहीं, कंसेंट मिली हो या ना मिली हो इट्स इमटेरियल, और एक्यूज जो है वो रेप के लिए लायबल माना गया था। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है विद और विदाउट हर कंसेंट, कंसेंट मिली हो ना मिली हो, ये एक ऐसा केस है जिसमें वो मैटर ही नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि वो जो है 16 ईयर्स से कम है। अब ये जो है हरपाल सिंह 16 नहीं अब 18 ईयर्स,
यहाँ पर एक 16 ईयर्स की लड़की थी जिसको उसकी मम्मी ने माँ ने अपनी मौसी के यहाँ भेज दिया था, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए। तभी जो है एक्यूज आया और उसने जो है उस लड़की से कहा कि तुम्हारा भाई जो है डिस्पेंसरी में गया हुआ है, जल्दी से वहाँ चलो। जैसे ही वो वहाँ गई उसने कमरे में ताला लगा लिया और उसके बाद वहाँ पर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स किया। और उसकी फैमिली ने तब बताया भी नहीं, चुप रहने का इरादा बना लिया, सब जान पहचान के लोग होते हैं, उसके बाद इज्जत। तो फिर क्या हुआ, जब ये न्यूज़पेपर में खबर आई तब पुलिस ने इंक्वायरी करी और तब ये बात सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एविडेंस मिली है वो प्रूफ करती है कि ये लड़की 15 साल से कम। अब जब वो लड़की 15 साल की है, 18 साल से कम की है, तो उसने कंसेंट दी हो ना दी हो, इट इज़ इमेटीरियल। और जितने भी एक्यूज हैं, चाहे वो एक हो दो हो जितने भी होंगे, वो सारे लायबल फॉर रेप होंगे। ऐसे तो अब आपको कितने केसेस सुनने में आ जाएंगे, जितने मैंने केसेस पढ़े, एक तो मैंने अभी ये देखा कि एक ग्रैंडफादर 70 साल का आदमी 1 साल की अपनी पोती के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में इंटरेस्टेड है। मतलब पता नहीं लोग कितने परवर्टेड होते जा रहे हैं। तो आज भी ये भी कुछ कुछ अरुणा शौनबाग जैसा केस है, जो अभी केस हुआ है डॉक्टर के साथ, वो भी तो ऐसे ही है कि उसको भी अंदर ही करके सेमिनार हॉल में ऐसे ही काम किया गया। तो जो सीन तब था वही सीन अब है, हम कितने स्ट्रिक्ट लॉज बना लें। और लास्ट क्या है, व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, ये 7th कंडीशन है जिसमें वो लड़की बता ही नहीं पाती कि वो कंसेंट दे रही है नहीं दे रही है। देखो कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिनको मैंने स्टडी किया था, और एक मेरा मन है शायद मैं इनके ऊपर किस तरह से हमारा यह पूरा IPC के सेक्शन में हमारे अमेंडमेंट्स आते गए, कैसे ये फॉर्म बनाए, एक बार मैं ज़रूर सोच लूँ, डिस्कस करूँगी। अब हम आते हैं इनके कुछ एक्सप्लेनेशंस जो सेक्शन 63 में ही दिए गए। सबसे पहला सेक्शन क्या कहता है कि वजाइना में इट आल्सो इंक्लूड्स लेबिया मेजोरा, मतलब सिर्फ इंटरनल पेनिट्रेशन नहीं है, एक्सटर्नल भी है, ये उसका एक्सटर्नल पार्ट माना जाता है। एक्सप्लेनेशन टू क्या है, कंसेंट का मतलब जो है यूनिवोकल वॉलेंट्री एग्रीमेंट, मतलब इसका मतलब ये है कि लड़का और लड़की जो है वो बिल्कुल दोनों अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, दोनों का एग्रीमेंट है, दोनों वॉलेंट्री हैं। ये वर्ड्स या जेस्चर वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन कंसेंट होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड दिया हुआ क्या है कि कोई भी जो लड़की है हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ द फैक्ट बी रिगार्डेड दैट कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब कोई भी लड़की रेजिस्ट करती तब, सिर्फ दो एक्सेप्शन इसके दिए गए हैं। पहला क्या है, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट अ रेप। अगर कोई डॉक्टर कोई सर्जरी कर रहा है, कोई इंटरनल ऑर्गन है, अभी मैंने बताया आपको कि ये जितनी भी ओपनिंग्स हैं हमारे अलग अलग काम की हैं, एक से हम शरीर की जो एक्सक्रीट है उसको बाहर निकालते हैं, कहीं से यूरिनेशन है, कहीं से डिलीवरी होती है, उसके बाद माउथ है खाने के काम में, तो इनमें अगर कोई भी काम कोई मेडिकल प्रोसीजर के अंडर हो रहा है तो वो रेप नहीं है। दूसरा क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड हिज ओन वाइफ, अपनी बीवी दूसरे की नहीं, तो अगर वो 18 ईयर्स से एज कम की नहीं है तो ये रेप है, और अगर 18 ईयर्स से ऊपर है तो वो रेप नहीं है। पहले जो था IPC में उसमें ये 15 ईयर्स था, और ये 15 ईयर्स जो है बदल के 18 ईयर्स कर दिया गया था, ये कोर्ट ने पहले ही कह दिया था 18 ईयर्स ऑफ एज। ये किस केस में कहा था इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2009 का जो केस है उसमें जो 15 ईयर्स की एज है वो 18 ईयर्स कर दी गई थी। ठीक है, तो सिर्फ ये दो कंडीशंस हैं जिनमें अगर फीमेल की एक्सेप्टेंस या कॉन्सेंट ना हो तो भी वो रेप नहीं है। पहला डॉक्टर द्वारा सर्जरी होना, दूसरा क्या है, एक मैन और वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स कंडीशन, उसकी वाइफ जो है वो 18 साल से ऊपर की है। ठीक है, ये एक अभी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू रह गया क्योंकि इसमें मैरिटल रेप को कवर नहीं किया गया है। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रोवर्सी है, होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए कि फैमिली लाइफ भी चलती रहे, कैसे होगा, ये मैटर ऑफ कंटेंशन है जिसको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया और वो यहाँ शामिल नहीं है। अब इसको भी हम, तो हमने दोनों एक्सेप्शंस देख लिए जिसमें रेप नहीं माना जाएगा कंसेंट हो या ना हो, अब हम इससे रिलेटेड केस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सबसे पहला केस लिया है वो है सोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पर क्या था, इसमें क्या है कि अगर कोई भी मेल जो है सेक्सुअल एक्टिविटी अगर विमेन के साथ उसकी कंसेंट के बिना करता है तो वो जो है कंस्टिट्यूट अ रेप अंडर द सेकंड क्लॉज। अगर वो जो है, जो सेकंड क्लॉज हमने पीछे 4 कंडीशंस पढ़ी थी ना, जिसमें उसकी पहले में था कि पेनाइल पेनिट्रेशन, दूसरा था नॉन पेनाइल पेनिट्रेशन, तो वो उन्हीं क्लॉजेस में आता है जब तक कि ये दो एक्सेप्शंस ना हो। दोनों एक्सेप्शंस कौन से हैं, मेडिकल प्रोसीजर और मैन एंड वाइफ। ठीक है, तो कोर्ट जो है ऐसे में अगर कंसेंट नहीं है तो उसको रेप मानेगा। ठीक है, अगला केस जो था वो क्या है, राकेश बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या है,
वेयर देयर वॉज अ क्लेम ऑफ रेप बाई न्यूमरस पर्सन एट डिफरेंट टाइम, मतलब बहुत सारे लोगों ने किया था और उसमें कोई भी हार्म नहीं था, उसके बाद भी जो जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, मतलब वो जो लड़की है, अगर उसकी जो गवाही है वो बिल्कुल क्रेडिबल है, वेरिफिकेशन उसका हो चुका, कोलैबोरेशन है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सारी मैच करती है, तब वो रेप माना जाएगा। उससे सवाल सिर्फ तब किया जाएगा जब उसकी जो गवाही है उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही हो और वो एक दूसरे के साथ मैच ना कर रही हो और वो कोलैबोरेट ना कर रहा हो। ठीक है, एक लास्ट जो मैंने आपको बताया था, ये जो एज जो चेंज हुई थी वो कब हुई थी, 15 से 18, आईपीसी में ही चेंज हो गई थी, यहीं पर अभी नहीं बदला, मतलब कोर्ट ने चेंज कर दी थी आईपीसी के अंडर में। तो ये क्या था, राकेश बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अच्छा, इसमें ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ी एक्चुअली, तो इस पूरे रेप लॉज को इतना स्ट्रिक्ट बनाने की, ये देखो ये हमारे कोर्ट्स के डिसीजन है। इस केस में मतलब मैं सोच भी नहीं पाती कैसे कहा होगा, इसमें कहा आफ्टर द परपिट्रेशन ऑफ द एक्ट, मतलब जो एक्ट हुआ उसके बाद जो फीमेल थी शी वॉज टायर्ड एंड फेल एस्लीप एंड दिस इज अनबिकमिंग ऑफ एन इंडियन वुमेन। ये आप खुद ही पढ़ लो कि ये कैसे कोई जज, क्या कोई भी जना कह सकता है कि रेप इस वजह से नहीं था, इसको आप पढ़ लो, ये बड़ी रिपल्सिव चीज़ें हैं बहुत सारी। फिर इंडिपेंडेंट थॉट, जब हमने एज को चेंज किया था इसमें क्या कहा था, ये समझ लीजिए आप, ये हमारे एक्चुअली आप जब भी अपने कॉम्पिटिशन्स में भी आंसर करोगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी होती। तो इंडिपेंडेंट थॉट ने जो किया था, सबसे पहले उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये, और उसने कहा था एक्सेप्शन 2 में जो है सेक्शन 375 ये डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है, क्योंकि जो क्रिमिनल एक्ट आया है 2003 इसमें सेक्शुअल इंटरकोर्स नॉर्मल कंसेंसस की जो एज बना दी गई है वो है 18 ईयर्स। तो जब कंसेंसस वाली कंसेंशुअल इंटरकोर्स की एज आपकी 18 ईयर्स है, तो फिर जब हम चाइल्ड मैरिज की बात करें या हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहे हैं तो कंसेंट आप 15 ईयर्स से पहले कैसे ले सकते हो। हम तब भी यही मानना पड़ेगा कि 15 ईयर्स, अगर 18 ईयर्स का कोई जना लड़की 18 की नहीं है तो कंसेंट उसकी नहीं मिली है, तो कंसेंशुअल मैरिज हो ही नहीं सकती। तो ये तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं ना, कि नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स के लिए आपकी एज 18 होनी चाहिए और फिर हस्बैंड और वाइफ अगर हैं तो 15। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है मैरिड गर्ल और अनमैरिड गर्ल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है, और इसीलिए पार्लियामेंट ने उसकी एज जो है वो इंक्रीज कर दी थी 15 से 18 ईयर्स। तो अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से जो 18 से कम एज की है उसके साथ नॉन कंसेंशुअल एक्ट करता है तो वो रेप होगा, अगर 18 से ऊपर की है तो आज की डेट तक, मतलब अब तक, वो रेप नहीं माना जाएगा। और बस आज के मेरे लेक्चर में इतना ही, इसके रिलेटेड जो पनिशमेंट्स हैं उसको अब मैं अगले में करूँगी। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना मेरे लिए भी काफ़ी है, आपके लिए भी। एक हम एक दो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं जैसा कि मैंने पिछली बार से स्टार्ट किया है, ये एक जिससे आपका एप्लीकेशन समझ में आएगा। एम जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उसने अपनी कंसेंट दी है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पी और उसके फ्रेंड क्यू दोनों के साथ। पी जो है वो पुलिस कांस्टेबल है और उसने ये कहा है कि अगर एम जो है उसने पी ने जो है थ्रेटन किया कि अगर उसने ऐसा काम नहीं किया तो उसकी फैमिली की रेपुटेशन और इसकी रेपुटेशन, इसकी कितनी रेपुटेशन है वो पूरी खराब कर देगा। अब इसलिए एम ने उसे कंसेंट दे दी। तो अब आप ये बताओ पी जो है लायबल है मर्डर रेप के लिए या नहीं, क्यों भी लायबल है या सिर्फ क्यों लायबल है, पी और क्यू दोनों लायबल हैं या पी और क्यू दोनों लायबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एम का तो कैरेक्टर ही खराब है, उसने कंसेंट दे दिया तो उसकी राय कोई मायने क्यों रखेगी। तो इसमें आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि पी और क्यू दोनों लायबल फॉर रेप हैं। क्यों, क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया था, कौन से केस में कहा था वो जब हम पनिशमेंट्स करेंगे ना तो मैं बताऊंगी, इतने केसेस मैंने करे हैं कि अभी उसमें बताएंगे हम। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी भी लड़की का अपना कैरेक्टर कैसा भी हो लेकिन कंसेंट सबकी चाहिए। एक प्रोस्टिट्यूट है तो उसको भी ये राइट है डिसाइड करने का कि वो किसको कंसेंट दे और ना दे, इसलिए पी और क्यू दोनों रेप के लिए लायबल हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ए वॉज अ गर्ल इन इल हेल्थ, मतलब एक ऐसी लड़की थी जो बीमार थी और वो डी के क्लिनिक पर गई जिसने उसे सर्जरी बताई। जब वो सर्जरी के लिए गई तो डी ने जो है उसके साथ वहीं पर सेक्शुअल इंटरकोर्स कर लिया लड़की के साथ, कई बार पता भी नहीं चला। अब यहाँ पर बताओ डी जो है लायबल फॉर रेप है या नहीं है, क्योंकि जो कंसेंट मिली थी उसको कंसेंट मिली थी और लायबल फॉर रेप है तो इसका मतलब वो कंसेंट वैलिड नहीं है। दूसरा बी क्या है, वो लायबल फॉर रेप नहीं है क्योंकि उसने कंसेंट ले ली थी। सी डी इज नॉट लायबल क्योंकि एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन था ना, एक्सेप्शन वन मेडिकल इंटरवेंशन है सर्जरी के लिए तो वो वैलिड है ही कंसेंट। डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप मुझे किस में बताओगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है कमेंट बॉक्स में बताओ, पर फिर भी मैं बता देती हूँ इससे रिलेटेड एक केस भी है। डी जो है वो रेप के लिए लायबल है क्योंकि कंसेंट वैलिड नहीं है।
आपको अगर याद हो मैंने जो लास्ट वाला पॉइंट था उससे रिलेटेड कोई केस नहीं बताया था, सेवेंथ जो सर्कमस्टेंस थी कि वो जो लड़की है वो अपनी कंसेंट देने लायक नहीं है, उसकी कंसेंट आने का टाइम ही नहीं था, वो कंसेंट दे ही नहीं पाई। ये ऐसा ही केस है कि जब वो सर्जरी के लिए गई है तो वो अपनी कंसेंट कैसे देगी। और ये केस क्या था, क्वीन वर्सेस फ्लैटरी, तो ये भी असली केस था, 1877, बहुत पुराना केस है लेकिन केस है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो गिल्टी है फॉर रेप। अब मैं क्या कहूँ आपको, ये वीडियो अच्छा लगा है या नहीं, लेकिन अगर आपको समझ में आया और रेलिवेंट लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और आप इस पर जो भी मुझे फीडबैक देना चाहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ बी अवेयर, लेट अस ऑल स्टॉप रेप।